हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वेलकम यू टू विद्या लर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इन दो रैंकिंग को पब्लिश किया है। ये दोनों रैंकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसका पूरा डिटेल एनालिसिस किस तरीके से इस लिविंग इंडेक्स को बनाया गया है और क्या क्या फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल या क्या क्या फैक्टर्स को इसमें रखा गया है, किन आधार पर इस रैंकिंग को बनाया गया, पूरा डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो रैंकिंग है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग को हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने तैयार किया है। इस रैंकिंग को तैयार करके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने और उनके मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने एक ऑनलाइन इवेंट में पब्लिश किया और पब्लिक डोमेन पर इस रैंकिंग को डाला गया है। इस रैंकिंग के अंदर दो रैंकिंग बनाई गई है। पहली रैंकिंग है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और सेकंड रैंकिंग जो बनाई गई है वो है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। किन की फैक्टर्स को इसमें रखा गया है आगे देखते हैं। तो देखो, आगे देखने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं लास्ट में इसका आंसर भी बताऊँगा। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पब्लिश की, जिसमें थ्री पिलर्स को रखा गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इन तीन पिलर्स पर कौन सी सिटी थी जिसने 2019 में टॉप किया इस रैंकिंग में, आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 सरकार ने क्यों लॉन्च किया, इसको लॉन्च करने का मोटिव क्या था, इसको आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को देख लेंगे। ये एक वीडियो है जो गवर्नमेंट के पोर्टल पर है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि उनका ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को लॉन्च करने का, बनाने का क्या मोटिव था, उस मोटिव को बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझाया गया। तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, बाकी फर्दर हम आगे डिस्कस करें। साथियों, ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी, ये बेहतर जीवन की एक जरूरी पूर्व शर्त है। पीपल आर एट द कोर ऑफ सिटीज, सिटीज विच वर्क फॉर देयर पीपल फ्लरिश, द वंस दैट डोंट डिक्लाइन। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर सिटीज टू प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, services and economic opportunities to their citizens. The government implements many programs to make the lives of citizens better. A bouquet of transformational programs are being implemented to address various facets of urban life. With this in mind, Ministry of Housing and Urban Affairs developed the Ease of Living Index in 2018 and enhanced it into a more robust framework for Ease of Living Index 2020. The Ease of Living Index 2020 assessed the livability of Indian cities across three pillars: quality of life, economic ability, and sustainability. The three pillars span across 13 categories and 49 indicators. For the first time, a citizen perception survey was introduced in this exercise. Quality of life is reflective of an individual's ability to enjoy happiness and well-being. This pillar assesses whether a city can provide its citizens safe and livable housing, good quality water and sanitation, access to good education and health facilities, etc. Economic ability is about assessing a city's ability to foster economic growth, provide decent jobs, and an investor-friendly climate.
Sustainability aims at assessing issues like climate change, greening and biodiversity, environmental management, reduction of energy consumption, and disaster resilience. The Citizen Perception Survey captures direct citizen perspectives, which can help cities implement more effective programs in the future. More than 32 lakh citizens were engaged through this survey. Urban local bodies are critical units of local governance. Their performance directly affects lives of citizens, and it is therefore important for them to continuously assess their abilities to deliver better services. With this in mind, Ministry of Housing and Urban Affairs developed the Municipal Performance Index 2020. This performance measurement system has five verticals. These verticals, which are capable of making a city smart, can be broadly classified as services, finance, planning, technology, and governance. In its present form, MPI 2020 consists of five verticals, 20 sectors, and 100 performance indicators. The Municipal Performance Index 2020 will eventually help municipalities in transforming urban planning and management, improving adoption of technology, and improving service delivery and financing capabilities. Together, the Ease of Living and Municipal Performance Index 2020 were conducted in 111 cities. And now, the results of the assessment are ready. तो आपने इस पूरे वीडियो को देखा, तो हम अब आगे बात करते हैं। जो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 111 सिटीज में कंडक्ट कराया गया, और इस 111 सिटीज में इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। एक कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी है, वो कैटेगरी है अ मिलियन प्लस, मतलब ऐसे सिटीज़ जहाँ पर एक मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन रेसाइड करती है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग जहाँ पर रहते हैं। एक कैटेगरी उन सिटीज़ की बनाई गई है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो उन सिटीज़ की बनाई गई है जहाँ पर 10 लाख से कम लोग रहते हैं। जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 है, इसको 3 बेसिक पिलर पर बनाया गया है। पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरा है इकोनॉमिक एबिलिटी, एंड द थर्ड वन इज सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलेंस। इन 3 पिलर पर इसको बेस्ड किया गया है। और एक फोर्थ पिलर जो इस साल ऐड किया गया है एक्सक्लूसिवली, वो है सिटीजन परसेप्शन सर्वे। देखिए, किसी भी सर्वे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है सिटीज़न के व्यूज़। और मिनिस्ट्री ने इस बार 30% सिटीज़न परसेप्शन को दिया है। 111 शहरों में मिनिस्ट्री के वॉलंटियर्स ने सिटीज़न से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अलग अलग टॉपिक्स पर उनके व्यूज़ लिए, और इस पूरी रैंकिंग को तैयार किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस कैटेगरी में जिस स्टेट ने टॉप किया है, जिस सिटी ने टॉप किया है, वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु के बाद जो फॉलोड सिटी है इस कैटेगरी में, वो है पुणे, देन अहमदाबाद, देन चेन्नई। आप देख सकते हैं, बाकी के मैंने इसमें लिख दिया है। आगे देखें, दूसरी कैटेगरी मैंने बताया जो लेस देन मिलियन कैटेगरी है, लेस देन मिलियन कैटेगरी में जो पहले नंबर पर सिटी है वो है शिमला, दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर, तीसरे नंबर पर सिलवासा एंड फर्दर मोर। अब ये तो हो गई रैंकिंग। अब ये आप देख सकते हैं, एक पूरा इंडेक्स है, मैंने 1 से लेके 10 तक पूरे जिन सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है वो पूरी रैंकिंग का पूरा चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। यह है पॉपुलेशन मिलियन प्लस, और यह है पॉपुलेशन लेस मिलियन प्लस। पहले नंबर पर बेंगलुरु, सेकंड पर पुणे, थर्ड पर अहमदाबाद, और इसी तरीके से इस तरफ लेस देन मिलियन में पहले नंबर पर शिमला को रखा गया है।
आगे चले तो मिनिस्ट्री ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ एक और इंडेक्स लॉन्च किया है जो कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको भी लॉन्च किया है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 5 key indicators, 5 pillars को रखा गया है, जिसमें सर्विस, फाइनेंस, गवर्नेंस, इन चीज़ों को रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी 111 शहर हैं जिनको इन रैंकिंग में रखा गया है, इन 111 शहरों में जो म्यूनिसिपालिटीज़ है वो किस तरीके से अपने सिटीजन्स को गवर्नेंस दे रही है, उनकी सर्विस कितनी है, उनकी टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल है और फाइनेंस में वो टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करते हैं, इन सारे मेजर्स को क्यूमुलेटिव तरीके से डेटा को कलेक्ट कर इस रैंकिंग को तैयार किया गया है। सेम म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी जो 111 सिटीज़ हैं उनको 2 category में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज़ मिलियन प्लस एंड द सेकेंड इज़ मिलियन लेस देन मिलियन। मिलियन प्लस कैटेगरी की बात करें तो जो पहले नंबर पर है वो है सूरत, सेकंड पर भोपाल। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो मिलियन प्लस कैटेगरी में पहले नंबर पर आया है और सेकंड नंबर पर भोपाल आया है। आगे हम बढ़ें तो जो दूसरी कैटेगरी है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो है लेस देन मिलियन कैटेगरी, जिसमें पहले नंबर पर नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, देन फॉलोड बाय तिरुपति एंड देन गांधीनगर को रखा गया है। आगे आप देखें तो ये पूरा चार्ट है कि मिलियन प्लस पॉपुलेशन में किसको और लेस देन मिलियन प्लस पॉपुलेशन में किन किन सिटीज़ को रखा गया है, किन किन सिटीज़ की म्यूनिसिपालिटीज़ को रखा गया है, पूरा ओवरव्यू उसमें दिया गया है। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स लाने का जो मेन मोटिव है गवर्नमेंट का वो ये है कि लोगों के, सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, उनको कैसे बेहतर गवर्नेंस, बेहतर सर्विसेज, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इन रैंकिंग को बनाया है, ताकि स्टेट के बीच में, सिटीज़ के बीच में एक कॉम्पिटेंसी बढ़े स्टेट्स के बीच में, जिससे वो और बेहतर कर सके अपने सिटीजन के लिए और बेहतर एडॉप्टेशन करे टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस का, बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे अपने सिटीजन्स के लिए। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स 2018 में से ही इस रैंकिंग को हर साल लॉन्च करता है और पूरा ओवरव्यू आपने देखा कि कौन कौन से स्टेट्स को इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पर रखा गया है, कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है और गवर्नमेंट इस रैंकिंग को क्यों पब्लिश करती है। अब मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कि 2019 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा सिटी थी जिसको टॉप रैंकिंग दी गई थी, जो पहले नंबर पर आया था मिलियन प्लस में, मिलियन प्लस कैटेगरी में। तो पहले नंबर पर था पुणे, सेकेंड नंबर पर था नवी मुंबई और थर्ड नंबर पर था ग्रेटर मुंबई। आई होप आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये था पूरा लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर करिए और अगर आपको कुछ भी डिस्क्रिपेंसी इस वीडियो में लगती है, इस लेक्चर में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको लगती है, तो आप कमेंट में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को लिख सकते हैं। ओके, बाय, सी यू, थैंक यू।